بسم الله الرحمن الرحيم فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا

जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में अहकाम के विषय पर आधारित बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं हमने अपने पिछले प्रोग्राम से जिस विषय को अपनी बातचीत का शीर्षक बनाया था वो था नमाज का समय या वक्त नमाज उसमें हमने आपके सामने बताया था कि नमाज का समय तीन प्रकार का होता है या उनको तीन भागों में बांटा जा सकता है एक सम, एक समय वो होता है जो नमाज का विशेष नमाज का मखसूस समय होता है दूसरा समय वो होता है जो दो नमाज़ों के बीच का या दो नमाज़ों का मुश्तरक समय होता है यानी जिसमें दोनों नमाज़ों को पढ़ा जा सकता है तीसरा समय वो होता है जो फ़जीलत या श्रेष्ठता का समय होता है हम अपने इस प्रोग्राम में इसी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हमने अपने पिछले प्रोग्राम में यहाँ तक हमारी बातचीत आई थी कि जोहर और असर का मखसूस और मुशतरक समय क्या होता है हमने अपने पिछले प्रोग्राम में इस बात को आपके सामने पेश किया था अब हम आज के प्रोग्राम में मगरिब और इशा के मखसूस और विशेष समय के बारे में बातचीत करेंगे सुबह के विशेष समय के बारे में बातचीत करेंगे नमाज़ों की फजीलत और श्रेष्ठता के समय के बारे में बातचीत करेंगे और उसके बाद अगर हमारे पास समय बचा तो हम इस बारे में बातचीत करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति कोई इंसान किसी कारणवश समय से पहले नमाज पढ़ ले तो उसका क्या आदेश है क्या हुक्म है और उसका मसला किस प्रकार हल किया जाएगा तो आइए हम और आप मिलकर इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए इसके बारे में बातचीत करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो मखसूस और मुश्तरक समय में होती है वो ये है कि मगरिब और इशा का मखसूस और मुश्तरक समय क्या है तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब मगरिब की अजान होती है मगरब की अज़ान से लेकर आधी रात तक मगरब और इशा का समय होता है यानी इस समय के बीच में आपको और हमको और हर मुसलमान को मगरिब और ईशा की नमाज़ पढ़नी होती है तो पहली तीन रकत का जो समय होता है यानी जैसे ही अजान हो गई उसके बाद जो पहली तीन रकत का समय होता है ये वो समय है जो मखसूस है मगरिब की नमाज से यानी इस समय में ईशा की नमाज को आरम्भ नहीं किया जा सकता है और उसके बाद लास्ट की यानी अब आधी रात होने में सिर्फ इतना समय बचा हो कि एक व्यक्ति केवल चार रकत नमाज पढ़ सकता हो तो अगर लास्ट की चार रकत नमाज पढ़ने का केवल समय बचा है तो ये समय विशेष होगा मखसूस होगा इशा की नमाज़ से यानी उस समय में अगर तब तक किसी व्यक्ति ने किसी भी कारणवश मगरिब की नमाज को नहीं पढ़ा था तो अब इन चार रकत के समय में मगरिब की नमाज़ को नहीं पढ़ सकता है बल्कि उसकी मगरिब की नमाज कज़ा हो चुकी है उसको इशा की नमाज़ पढ़नी होगी तो पहली तीन रकात का समय हो गया मखसूस विशेष हो गया मगरिब की नमाज से अंतिम चार रकती नमाज का समय हो गया इशा के लिए इन दोनों नमाजों के बीच का जो समय होता है पहली तीन रकात को छोड़ दें अंतिम चार रकात को छोड़ दें उसके बीच का जो समय होता है ये वो समय है जिसको मुश्तरक समय कहते हैं यानी इस समय मगरिब और ये वो समय है जिसमें मगरिब और इशा दोनों नमाज़ों को पढ़ा जा सकता है लेकिन इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि जब भी नमाज पढ़ी जाए मुश्तरक समय में तो पहले आवश्यक ये है कि मगरिब की नमाज़ पढ़ी जाए उसके बाद इशा की नमाज़ पढ़ी जाए यानी क्रम का ध्यान रखना यहाँ पर आवश्यक है और इसमें एक और बात होती कि हमने जो आपको बताया कि पहली तीन रकत तो और अंतिम चार रकात नमाज तो कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान यात्री होता है सफ़र पर गया हुआ है तो उसकी नमाज कसर हो जाती है यानी उसको वो नमाज़ें जो चार रकती हैं दो रकत पढ़नी होती हैं तो उसके लिए विशेष और मुश्तरक समय का आधार किया होगा तो जो यात्री है जो सफ़र में है जिसकी नमाज कसर हो चुकी है उसके लिए चार रकती नमाज का विशेष समय दो रकत भर होगा यानी क्या मतलब यानी अगर ईशा की नमाज पढ़ना है और अंतिम इतना टाइम से बचा है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ दो रकात नमाज पढ़ी जा सकती है तो ये दो रकात उसके लिए विशेष है ईशा की नमाज से उस समय मगरिब की नमाज़ नहीं पढ़ सकता है लेकिन वो व्यक्ति जो सफ़र पर नहीं है जिसको पूरी चार रकात नमाज पढ़नी है उसके लिए चार रकात नमाज का समय ही उसका विशेष समय होगा इसमें एक बात और होती है कभी कभी इंसान जानबूझकर अगर कर करना नहीं चाहिए लेकिन कभी कभी जानबूझकर या भूले से या किसी कारणवश सो जाता है इंसान या भूल गया किसी कारणवश आधी रात गुजर जाती है तब तक वो ईशा की नमाज़ और मगरिब की नमाज नहीं पढ़ता है भूल गया इंसान सोता रह गया है कुछ और मसला पेश आ गया तो नहीं पढ़ सका अब उसके बारे में उसका क्या मसला है क्या करे वो क्या उसकी नमाज़ कज़ा हो गई है वो दूसरे दिन पढ़े या उसकी नमाज़ किसी और दिन पढ़े क्या करे आखिर तो यहाँ पर हमारे फ़कह हमारे मुज्तहिदीन हमारे सम्मानीय मुश्तिन ये कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जान बूझ कर या भूले से या किसी कारणवश जैसे सोता रह गया अगर जान नमाज को आधी रात तक उसने नहीं पढ़ा है तो उसके लिए आवश्यक ये है कि वो नमाज़ को आधी रात के बाद सुबह की अजान से पहले अवश्य पढ़ ले। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस समय वो नियत कर रहा है वो अदा या कज़ा की नियत न करे सिर्फ़ इस प्रकार नियत कर ले जैसे कि मगरिब की नमाज़ पढ़ता हूँ कर्बता या याशा की नमाज पढ़ता हूँ कर्बा ला अदा या याज़ा की नियत न करे तो ये वो चीज़ थी जो मगरिब और इशा के नमाज के बारे में विशेष और मुश्तरक समय था उसके बाद सुबह की नमाज़ का समय आता है सुबह की नमाज़ का समय केवल एक समय क्यों क्योंकि उसमें एक ही नमाज है कोई दूसरी नमाज नहीं इसलिए मुश्तरक समय का यहाँ पर प्रश्न नहीं उठता है केवल एक ही समय होता है कि जब सुबह की अजान हो गई यानी दूसरा जो फज्र होता है वो तुलू हो गया उसके बाद से लेके सूरज के उगने तक सूरज निकलने तक का समय होता है सुबह की नमाज़ पढ़ने के लिए तो ये वो चीज़ थी जो हमने आपको बताया किसी नमाज के विशेष और मुश्तरक समय के बारे में और हमने आपको बताया था कि नमाज़ के समय तीन प्रकार के होते हैं अब जो हमारी यहाँ से बात शुरू होगी वो है नमाज़ की फ़ज़ीलत या श्रेष्ठता के समय के बारे में श्रेष्ठता या फजीलत किसको कहते हैं फजीलत का समय वो समय होता है कि अगर उस समय इंसान नमाज पढ़ ले, ईश्वर की आराधना करे और नमाज के लिए खड़ा हो जाए तो ये वो समय है जब इंसान को सवाब अधिक मिलता है ये वो समय यानी फजीलत का समय वो समय है जब नमाज़ का सवाब ज़्यादा होता है इसके बारे में हम यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे कि कोई फजीलत का समय कब होता है तो सबसे पहले जो बात आती है जोहर का समय जोहर की फजीलत का समय क्या है जैसा कि हमने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था कि जोहर का समय कैसे जोहर की फजी जहर का समय हम कैसे जाने कि जहर का समय आ चुका है तो हमने आपको बताया था कि अगर एक शाखिस जैसे कि हमने आपको मिसाल दी जैसे पेन हमने आपको मिसाल दी थी ये पेन आपके सामने रखा जब पेन किसी जगह पर गाड़ दिया जाए या कोई इसी प्रकार की सीधी लकड़ी कोई चीज़ गाड़ दी जाए ज़मीन पर और सूर्य जब पूर्व से निकलता है और एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाता है जब इसका साया बिल्कुल कम हो जाता है तो ये वो समय होता है जब हर का वक्त आ जाता है यहाँ से जहर की नमाज का समय आराम हो जाता है अब यहीं से ध्यान रखने वाली बात है जब किसी चीज़ का साया अपने अंतिम स्थान तक पहुँच जाए उस शाख़स का उस निशानी का साया अपने अंतिम स्थान तक पहुँच जा। जाए तो जहर का समय आराम्भ होता है और इसके बाद से उस समय तक उसकी फजीलत और श्रेष्ठता का समय रहता है जब तक ये साया उसके उस भाग के उस बराबर ना हो जाए इतना बड़ा वो है मसलन मान लीजिए कि हमारी जो शाखे से जो निशानी थी वो दस सेंटीमीटर की मीटर की थी तो अगर ये साया जो अंतिम समय पर बीस सेंटीमीटर आया था अगर ये साया बढ़ते बढ़ते एक सौ बीस सेंटीमीटर तक पहुँच जाए सौ सेंटीमीटर था एक सौ बीस सेंटीमीटर पहुँच जाए तो ये हमारा जो है फजीलत का समय निकल जाएगा इसके बाद हमारा फजीलत का समय नहीं रह जाएगा तो जहर की फजीलत का समय यह है कि जो निशानी हमने आपके सामने लगाई थी जहर का नम, समय जानने के लिए उसका साया उसी के बराबर मात्रा में पहुँच जाए जब ये बराबर मात्रा में साया पहुँच जाएगा तो फजीलत का समय समाप्त हो जाता है उसके बाद नमाज़ पढ़ सकता है लेकिन फजीलत नहीं रह जाती है आदी। अब उसके बाद असर की फजीलत का समय आता है यहीं से उसके बाद असर की फजीलत का समय शुरू होता है असर की फजीलत का समय उस समय तक है जब ये साया जो अभी एक बराबर हुआ तो दो बराबर हो जाए अगर साया दो बराबर हो जाता है तो असर की फजीलत का समय, समय समाप्त हो जाएगा उसके अंदर जितना समय होगा दो मिनट चार मिनट दस मिनट पंद्रह मिनट जितना भी समय हो ये वो समय होगा जो असर की नमाज की फजीलत का समय होता है उसके बाद जो चीज़ आती है वो मगरिब की मगरिब की फजीलत का समय क्या है तो मगरिब की फजीलत का समय यह है कि जब सूरज डूब जाता है अज़ान के बाद से उस समय तक मगरिब की फजीलत का समय रहता है जब तक के वो जो पश्चिम में जो एक लाली होती है छिदज के ऊपर जब तक ये लाली बाकी रहती है तब तक मगरिब की फजीलत का समय रहता है लेकिन जैसे ही वो लाली समाप्त हो जाए मगरिब की फजीलत का समय समाप्त हो जाता है उसके बाद इशा की समय बात आती है कि इशा की फजीलत का समय क्या है इशा की फजीलत का समय जब मगरिब का समय समाप्त होता है यानी वो क्षितिज से जब लाली समाप्त हो जाती है उस समय से लेके अगर रात को तीन भागों में बांटा जाए तो जो एक तिहाई भाग होता है उस समय तक इशा की फजीलत का समय रहता है एक तिहाई भाग तक ईशा की फजीलत का समय है उसके बाद फजीलत का समय समाप्त हो जाता है लेकिन मगरिब और ईशा की नमाज पढ़ने का समय बाकी रहता है उसके बाद आते हैं सुबह का कि सुबह के फजीलत का समय क्या है फजूबा की फजीलत का समय यह है कि जैसे ही दूसरी फज्र हो जाए यानी अजान का समय हो जाए उसके बाद से उस समय के अंदर अंदर पढ़ लिया जब तक के साया खुल ना जाए यानी क्या मतलब यानी रोशनी फैल ना जाए यानी अभी सुबह नहीं हुई है लेकिन रोशनी फैल जाती है उस रोशनी के फैलने से पहले तक सुबह की नमाज़ को पढ़ना अधिक फजीलत रखता है और इन समय में अगर कोई नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज का सवाब ज़्यादा हो जाता है तो ये वो चीज़ थी जो हमने आपको नमाज के समय के बारे में बताई लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि ये वो समय हैं जो हमारी यौमिया या रोज़ाना की नमाज़ के बारे में है यानी जो हमको रोज़ नमाज़ पढ़नी उसकी फजीलत का समय उसका मुश्तरक समय उसका मखसूस समय ये हमने आपके सामने बताया लेकिन हमने आपको प्रोग्राम के आरम्भ में यह बताया था कि नमाज दो प्रकार की होती हैं एक नमाजें नमाज वो होती है जो रोज़ाना पढ़नी होती है जैसे कि हमने बताया सुबह जहर असर मगरब जो पंजे गाना नमाज़ें हैं रोज़ाना पढ़नी होती हैं उसके अलावा जो कुछ नमाज़ें ऐसी होती हैं जो किसी कारणवश किसी घटना की वजह से किसी और वजह से नमाज वाजिब होती इन नमाजों का समय क्या है तो जैसा कि इसके नाम ही से स्पष्ट है क्योंकि इन नमाज़ों का कोई समय निश्चित नहीं है नमाज ही किसी घटना की वजह से होती हैं किसी कारणवश होती हैं तो इनका समय भी कोई निश्चित नहीं है जैसे सूरज ग्रहण की नमाज़ है जलजले की नमाज़ ये नमाज आयात हैं ये इस प्रकार की जितनी नमाजें हैं चूँकि ये किसी घटना के कारण होती हैं इसलिए इनका समय वही है जब वो घटना हो यही नमा अगर सूरज ग्रहण के कारण नमाज आयात वाजिब हो रही है तो इसका समय भी वही है जब सूरज ग्रहण हो रहा हो चाँद गहन की न अगर चाँद गहन के कारण नमाज आयात वाजिब हो रही तो इसका समय भी वही होगा कि चाँद गहन जब हो जाए जब चाँद गहन होगा तो इसका समय आरंभ होगा या जैसे नमाज मैत है नमाज मैत चूँकि एक घटना के कारण एक इंसान के मर जाने के कारण वाजिब होती है लिहाजा ये उसी समय वाजिब होगी जब कोई व्यक्ति मर जाए तो उसके बाद से उसका समय आरब होगा और तमाम मुस्लिम के ऊपर वाजिब है कि वो किसी मुसलमान के बा के बारे में अगर वो मर जाता है उसको सोचना प्राप्त करते हैं उसकी नमाज़ में शिरकत करें और नमाज़ पढ़ें जैसा कि हमारे फोखा ने बयान किया है कि ये नमाज़ नमाज किफाई है यानी किसी अगर कुछ लोग पढ़ लेते हैं दूसरे के ऊपर से इसका वाजिब साकित हो जाता है इसके बाद जो बातचीत आरंभ होती है वो बातचीत यह है कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कारणवश भूले से अनजाने में समय की जानकारी ना होने की वजह से इंसान कभी कभी नमाज को उसके समय से पहले पढ़ लेता है तो उसके बारे में मसला क्या है उसके बारे में हम मसला चूँकि अभी समय समाप्त हो रहा है लिहाजा हम इसके बारे में मसला किसी अपने अगले अगले प्रोग्राम में बताएँगे अब इनका इस जो इस प्रोग्राम में हमने आपके सामने बयान किया उसका सारांश आपके सामने पेश कर देते हैं हमने अपने इस प्रोग्राम में दो तीन बातों को बयान किया पहला यह कि मगरब ऐशा का वो क्या है मखसूस और मुशतरक समय और यह बताया कि मखसूस समय में सिर्फ उन्हीं नमाजों को पढ़ा जाएगा जिन नमाज से मखसूस है मुशतरक समय में दोनों नमाजों को पढ़ा जा सकता है और हमने आपके सामने ये भी बताया कि फजीलत का समय क्या होता है और फजीलत कहते किसको हैं फजीलत उस चीज़ को कहते हैं कि अगर इंसान उस समय में नमाज़ को पढ़ता है तो उसका स्वाब अधिक हो जाता है इसके बाद भी हमारा प्रोग्राम जारी रहेगा तब तक के लिए والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم تفضل على علمائنا بالزهد والنسيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة برحمتك يا أرحم الراحمين